दोस्तों, आज हम सीखेंगे आटे के लड्डू बनाना। ये राजस्थान की बहुत ही मशहूर डिश है, घर में बन जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। तो हम सबसे पहले इसके लिए लेंगे आटा, उसमें डालेंगे एक इलायची, उसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच देसी घी। हाँ दोस्तों, ये घी से हमारा लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा हो जाएगा। हम इसमें बस एक चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर इसके बाद पानी से इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। कुछ भी सामान नहीं लगाया हमारा, लगा है बस घी, लगा है थोड़ा सा आटा और एक इलायची। इसे हम पानी से अच्छे से गूंथ लेंगे और ये जो हमारा आटा होगा गूंथा हुआ, ये बहुत टाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आटा गूंथ के तैयार है, लड्डू का आटा। अब इसके हमें क्या करनी है, छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। ये देखिए, हम इसे निकाल के छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब इन छोटी छोटी लोइयों को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन छोटी छोटी लोइयों को बनाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। जैसे आप लोग पूड़ी बेलते हैं वैसे ही इसे बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूड़ी बनके तैयार है। अब हम इसे घी में तल लेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में गरम गरम घी चढ़ा देते हैं। अब हम इसे गरम घी की कढ़ाई में जो हमने पूड़ी बनाई है इसे तल लेंगे। घी में हम इसे तलेंगे। देखिए, ये अच्छे से फूल जाएगा। देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। इसके बाद हम इसे पलट देंगे, घी की आँच तेज कर देंगे और ये हमारे रोट तैयार हैं। ये हमारे रोट, आटे के लड्डू, दोनों तरह की चीज़ें तैयार हैं। अगर आप इसे ऐसे ही खाते हैं तो ये रोट है, पर अगर हम इसे आगे का जो प्रोसेस करते हैं तो इससे आपके लड्डू बन जाएंगे, पर ये आपका रोट बन जाए। क्या करेंगे, इसे हम कढ़ाई से निकालेंगे और निकाल के ठंडा होने रख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे निकाल के 2-5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रोट बनके तैयार है। इसे आप अच्छे से किसी भी सब्जी के साथ खाइए, लोगों को सर्व कीजिए और बहुत सारी बढ़ाई लीजिए। देसी घी का रोट जो आपको करे सेहतमंद और खुश। तो ये रोट हमारा तैयार है। अब दोस्तों हम इसको लड्डू बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने रोट बनाया है देसी घी में आटा तल के, उसे हम रोट कर दें। इस रोट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये देखिए, इसका हम अच्छे से चूरा कर लेंगे। अपने हाथ से जितना मैश हो सकता है उतना मैश कर देंगे। ये इतना सॉफ्ट होता है कि एक बार में ही आपके हाथ से ही मैश हो जाएगा। ये हमने इसके टुकड़े कर लिए। फिर भी हमारा जो लड्डू होगा वो कुरकुरा, सॉफ्ट और क्रिस्पी होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं, ये हमारे पास मिक्सी का जार है। हमने जो ये रोटी के टुकड़े किए हैं, रोट के जो टुकड़े किए हैं, इसे हम इस जार में डाल देंगे और अच्छे से मिक्सी में इसे 1 या 2 सेकंड के लिए चला लेंगे। तो अब हम चलते हैं मिक्सी में इसे चलाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे। हम देख रहे हैं शुगर फ्री आटे के लड्डू बनाने का तरीका। डायबिटीज वाले लोगों के लिए जो आराम से वो खा सकते हैं, वो आटे के लड्डू जो घर में तैयार हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं करते, शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इस बूरे में हम डालेंगे शुगर फ्री पाउडर। ये शुगर फ्री पाउडर बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। इसे मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा इसमें आप पानी लेंगे हाथों में अपने, ये आप हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा लेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो घी भी ले सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये जो हमारे पास तैयार है इसके हम लड्डू बनाएंगे। इनके लड्डू इजीली बन जाएंगे क्योंकि इसमें आपने घी डाला है। पर अगर बाय चांस आपसे ये लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध इंक्लूड कर लीजिए और ये आपके गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे लड्डू तैयार हैं। इन्हें आप रखिए, सर्व कीजिए, लोगों से बढ़ाई लीजिए। थैंक यू सो मच।